यूक्रेन में आ सकती है बड़ी तबाही, रूस तैनात करेगा अपना सबसे खतरनाक शैतान, पुतिन ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन। दोस्तों आपको बता दें, ट्रांसकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल 2018 में पहली बार घोषणा की थी। अब माना जा रहा है कि इस साल तक इस मिसाइल को तैनात कर दिया जाएगा। बता दें कि रूस का RS-28 सरमत मिसाइल ने सिर्फ रूस बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और वजनी मिसाइल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक RS-28 सरमत मिसाइल की ऑपरेशन रेंज 18,000 किलोमीटर जबकि वजन 208 टन है। 115 फुट लंबी सरमत मिसाइल एक साथ 15 जगहों पर परमाणु हमला कर सकता है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने RS-28 सरमत मिसाइल का परीक्षण पूरा कर लिया है। ये एक हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल है जो अपनी पूरी स्पीड के साथ धरती के किसी भी हिस्से में चंद मिनटों में पहुंचकर अपना टारगेट को नष्ट कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने अपने हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल SATAN-2 का सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर ली है। इसके बाद से उसके दुश्मन देशों के बीच घबराहट का माहौल है। RS-28 सरमत मिसाइल को काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। ये मिसाइल करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर अपने टारगेट पर अटैक करता है। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि टारगेट को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल इतना फास्ट है कि कुछ ही मिनटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच सकता है और अपने टारगेट को ख़त्म कर सकता है। इतना ही नहीं, ये किसी भी डिफेंस सिस्टम से ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये मिसाइल साइज में काफ़ी बड़ा है, बावजूद इसके ये अच्छे से अच्छे डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। बताते हैं कि RS-28 सरमत सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका कंट्रोल रूस की स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेज के हाथों में है। इसे एक रूसी कंपनी ने डिजाइन किया है। रूस का दावा है कि सरमत दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है और इसकी रेंज भी सबसे ज़्यादा है। एक्सपर्ट्स ने इस मिसाइल का नाम SATAN-2 रखा है।